दोस्तों फिन रॉड डिजीज। दोस्तों अगर ये डिजीज आपकी फिशेस को है तो फ्रेंड्स इसे जल्द से जल्द ठीक कर ले, नहीं तो आपकी फिशेस मर सकती है। तो दोस्तों मेरा नाम है कुमार अभिलेश, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपको फुल ट्रीटमेंट बताऊंगा कि आप कैसे फिन रॉड डिजीज को ठीक कर सकते हैं और फिन रॉड डिजीज क्यों होता है। जब भी हम अपने एक्वेरियम में कोई नई फिश ऐड करते हैं या कोई नया प्लांट ऐड करते हैं या सर्दी के दिनों में हीटर नहीं लगाने के कारण भी फ्रेंड्स फिन रॉड डिजीज होता है, और फ्रेंड्स एक्वेरियम गंदा रहने के कारण भी ये डिजीज फिशेस को होती है, और फ्रेंड्स फिन रॉड के साथ साथ व्हाइट स्पॉट जैसी डिजीज भी फिशेस को हो जाती है। फ्रेंड्स डरने की कोई भी बात नहीं, आपकी फिशेस नहीं मरेगी। फ्रेंड्स सिंपल सा चीज़ है, उसे आप अपने एक्वेरियम में डाल दो फ्रेंड्स, सारे बैक्टीरियाज मर जाएंगे और फिर दोबारा वो डिजीज होगा भी नहीं। तो फ्रेंड्स आपको यूज़ करना है रॉक सॉल्ट। फ्रेंड्स ये आपको इजीली जनरल स्टोर पे मिल जाएगा फ्रेंड्स 5-10 रुपए में, आई थिंक ये 40 से 50 ग्राम आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स जो फिशेस फिन रॉड डिजीज से इन्फेक्टेड है उन्हें हम सॉल्ट वॉश कराएंगे। फ्रेंड्स सॉल्ट वॉश कराने के लिए आपको 2 बॉक्सेस लेने हैं फ्रेंड्स, दोनों में आपको पानी भर देना है। फ्रेंड्स एक में आपको फिश को रखना है जिस जो इन्फेक्टेड है, उसके बाद फ्रेंड्स एक बॉक्स में आपको जनरल एड डालना है, और फ्रेंड्स उसके बाद उसमें एंटी इच मिलाना है। फ्रेंड्स आपको दोनों मेडिसिन 4 से 5 बूंद डालने हैं। फ्रेंड्स 4 से 5 बूंद डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे रॉक सॉल्ट का टुकड़ा। फ्रेंड्स मैंने ज़्यादा नहीं, मैंने 1 ग्लास पानी डाला इसमें, आप इतना बड़ा टुकड़ा 1 ग्लास पानी में डाल सकते हैं। और उसके बाद इसे 10 से 15 मिनट अच्छी तरह से घुलने देंगे, और फ्रेंड्स जिसमें मैंने फिश रखा उसमें हम 1 से 2 बूंद एंटीज डालेंगे जो फिन रॉड डिजीज से इन्फेक्टेड है, और मेडिसिन को अच्छे से वाटर में मिक्स कर देंगे। दोस्तों रॉक सॉल्ट अच्छी तरह से घुल चुका है, तो अब हम अपनी फिश को सॉल्ट वॉश कराएंगे। आपको 3 सेकंड के लिए सॉल्ट वॉश कराना है, 1, 2, 3, और फ्रेंड्स उसके बाद आपको उसे निकाल लेना है और उसे साफ पानी में डाल देना है। फ्रेंड्स 10 सेकंड तक ये कोई भी मूवमेंट नहीं करेगी, क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी ये होता है कि ये सुस्त पड़ जाती है 10 से 15 सेकंड के लिए। और फ्रेंड्स उसके बाद आपको क्या करना है कि 10 से 15 सेकंड बाद आपको उसे अपने मेन टैंक में डाल देना है जिसमें आप उसे रखते हैं, और उसके बाद उसमें आपको 4 से 5 बूंद एंटी इच डाल देना है। एंटी इच डालने के बाद अगर आपका टैंक 60 लीटर का है तो आपको उसमें 8 से 10 ग्राम रॉक सॉल्ट डाल देना है। और फ्रेंड्स उसके बाद आपको क्या करना है कि 24 घंटे के बाद आपको 30% वाटर चेंज कर देना है। फ्रेंड्स ऐसा आपको 4 दिनों तक करना है। और फ्रेंड्स एक्वेरियम में रॉक सॉल्ट डालने से फिन रॉड के जितने भी बैक्टीरियाज होंगे एक्वेरियम में वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो आई होप गाइज आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।